मुझे जब गोली लगती है, क्या मैं नहीं, जब एक कत्ल अल्लाह बचाता है मुझे, क्या तब इंतजार नहीं होना चाहिए था? तब क्यों नहीं तोड़ फोड़ हुई? तब क्यों नहीं गिराओ झलाओ? ये जो हुआ है कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरा फलसफा नहीं है। मैं ये समझता हूं कि अगर आप अपनी पार्टी को इस तरफ लगा देते हैं, अगर पार्टी, एक दफा पार्टी को खून लग जाता है, जिस तरह हम जब कराची में पार्टी बनाने लगे तो उन्होंने कहा जी यहां तो अगर आपने पार्टी बनानी है तो आपको मिलिटेंट विंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि एमक्यूएम के पास मिलिटेंट विंग है, बाकी भी जमातें उनके सामने सबके पास उन्होंने मुसल्ला लोगों को रखा हुआ है, आप भी रखें। ये आज से 25 साल पहले की बात है। मैंने तब उनको समझाया कि जिस वक्त आप अपनी पार्टी में मुसल्ला लोगों को रखते हैं, उस वक्त आपकी पार्टी की सारी फितरत ही बदल जाती है। वो आपके भी, अगर आपके लिए समझते हैं ना कि हमें वो हिफाजत करेंगे, वो फिर दूसरी तरफ अपने काम करने पर शुरू लग जाते हैं, कब्जे शब्जे बंदूकें पकड़ के फिरते हैं। मैंने कहा मैं नहीं करता, हमारी पार्टी बढ़े ना कराची में, क्योंकि जो वो डर होता था कि एमक्यूएम के, उस तरह खौफ होता था कि जी हम हिफाजत कैसे करेंगे अपने आप को उनसे। सब मैंने कभी ये नहीं किया।